कल मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत जी से, हाँ। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी वगैरह हटवा लिया है, हाँ। तो पानी की व्यवस्था दिल्ली की सरकार की ओर से हो जाए, तो रात को ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है। अब हमने यहाँ पर पानी लगवा दिए हैं, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, तो किसानों को अगर जरूरत पड़े, हाँ। तो वो यूज़ कर सकते हैं, दिल्ली सरकार की ओर से पूरा इंतजाम है। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के प्रवासी मजदूर शायद अब नेताओं की अपील पर भरोसा नहीं करते। वो जानते हैं कि लॉकडाउन छोटा हो या बड़ा, दिल्ली में रहेंगे तो उनकी परेशानियां अनंत हैं। एक दिन का कहा, एक महीने का भी कर सकते हैं, दो महीने का भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं वापस। क्या करता, रूम का भाड़ा देना है, लॉकडाउन में रूम के भाड़े थोड़ी छोड़ेंगे। केजरीवाल तो बोले साहब भाड़ा छोड़ दो, लेकिन मकान मालिक भाड़ा नहीं छोड़ा। लॉकडाउन 7 दिन का फिर आगे बढ़ा दिया, जो दिक्कत ही दिक्कत है, खाने की दिक्कत। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लगातार, ये आनंद विहार का इलाका है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पे नौकरी करने, अपने परिवार के साथ अपना पेट पालने के लिए आए थे, अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपना सामान सरों पर लादे हुए यहाँ से अपने घरों को जाना चाहते हैं।